आज बड़ी चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा कराने की कोशिश की जा रही है इन मुद्दों पे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको कश्मीर फाइल से प्यार है और हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। बात कश्मीर फाइल पे होती तो यहां खूब चीख चिल्ला रहे होते, फाइलें उछाल रहे होते। अब बात कश्मीरियों की आ गई है तो उठ के भाग गए। 8 साल से, चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जो हुआ, जगमोहन जी के समय पे जो हुआ, उन्होंने काफी जिक्र किया, वो बीते समय की बात है। पर 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई साल से दोनों जगह कश्मीर में भी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है सेंटर में। सवाल यह है कि इस देश के हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को इतने लंबे समय तक 32 साल बाद भी विस्थापित बनके क्यों रहना पड़ रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखती आई है कि हमको सत्ता दे दो, हम कश्मीरी विस्थापितों की मदद करेंगे, उनका पुनर्वास करवाएंगे। वो मैनिफेस्टो का झूठ, उसका सच क्या है? वो क्यों कामयाब नहीं हुए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? सौरभ भाई ने प्रस्ताव रखा सदन के समक्ष, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें घोर असफलता है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि 8 साल तक आपने कश्मीरियों के दर्द पर राजनीति, 32 साल से राजनीति करते आए हो, 8 साल से आपके हाथ में मौका है, आपको एक एक कश्मीरी भाई को, एक एक कश्मीरी बहन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो जाके अपने कश्मीर में अपने जमीन जायदाद तो देखा है। हो सकता है कहीं भी अध्यक्ष महोदय 32 साल तक हम रहने लगते हैं तो बहुत सारे लोग विस्थापन के क्रम में रहने का मन बना लेते हैं। आज जो दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, मैं सैकड़ों ऐसे परिवार मेरे मित्र हैं जो दिल्ली और नोएडा में रह रहे हैं और व्यक्तिगत मित्र हैं, राजनीति में आने से पहले मेरे मित्र हैं। आज बहुत सारे लोग हो सकता है कह दें कि भाई हम तो दिल्ली के हैं, हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी उनके दर्द, मैं जानता हूं उनका दर्द, उनका दर्द यह है कि जो हमारी बारापुला में जमीन थी, जो हमारे बाग बगीचे थे सेब के, जो हमारे बादाम के खेत थे, पेड़ थे वहां पे, जो हमारा एक सुंदर सा वादी में घर होता था, हम कम से कम उसको जाके देख तो आए, वो किसने पे कब्जा कर रखा है, वो हमको कब्जा तो छुड़ा के दे दे सरकार, हम उसकी कुछ लिपाई पुताई तो कर दें, हम कम से कम ये तो कह दें अपनी तीसरी पीढ़ी को, 32 साल में तीसरी पीढ़ी खड़ी है, हम अपने बच्चों की उंगली पकड़ के दिखा तो आए कि कभी हम इस घर में पैदा हुए थे, इतनी व्यवस्था तो कर दें। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सरकार में, आज कश्मीरी क्या चाह रहा है? 32 साल से अपने देश में विस्थापित होकर दर्द झेल रहा है, वो ये चाह रहा है कि भाई 32 साल से उसको दुख हुआ तो हमेशा दिल्ली ने मदद की है, अलग अलग राज्यों में जहां जहां वो गए वहां से उनको मदद मिली है कि हमें फौरी तौर पे, हम विस्थापित होकर आए, हमें मदद मिले। दिल्ली सरकार भी 3250 रुपए प्रति व्यक्ति लगातार दे रही है, एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों को 3250 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो तो एक अलग चीज है। दूसरा वो चाह रहा है भाई अब हमारे ऐसी सरकार है जो चाहती है कि कश्मीरी पंडित का विस्थापन हो। आज दिल्ली में मैंने सुबह अपने विधायक साथियों से पूछा, मेरी विधानसभा में भी रहते हैं लोग, पंपोश एंक्लेव में रहते हैं, हर कई सारे साथियों ने बताया कि कहीं 150 परिवार, कहीं 100 परिवार, कहीं 200 परिवार, कहीं 500 परिवार रह रहे हैं, कुलदीप ने भी बताया, हर जगह रह रहे हैं। वो दिल्ली वाले हैं, वो देश के हैं, वो दिल्ली के हैं, लेकिन उनका एक टीस ये है कि भाई वो हमारी जो जमीन हुआ करती थी, क्या हम उसे अपना कह सकते हैं जाके? क्या हम उसी स्वतंत्रता से जो 89 से पहले की अपना पंथा वहां जाके रह सकते हैं? 32 साल बाद भी अगर हम नहीं कर पाए तो इसमें केंद्र सरकार की घोर निंदा होनी चाहिए, और 8 साल भारतीय जनता पार्टी की असफलता, इसीलिए उठ के भाग गए यहां से, क्योंकि हर बार मैनिफेस्टो में लिखते हैं कश्मीरी फाइल पर बात करो तो चिल्लाते हैं और कश्मीरियों पर बात करो तो उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि नियत भी नहीं है, जवाब कुछ किया नहीं है, ये तो है ही है, नियत भी नहीं है। कश्मीरियों के लिए कैसे कुछ काम किया जाता है इसको अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए। 32 साल सौरभ भारद्वाज जी ने जिक्र किया, लगभग 25 साल तक कश्मीरी टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहे दिल्ली के स्कूलों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 93 से लेके 98 तक भी रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही,
एक साल अरुण जेटली जी ने बजट भी रखा दिल्ली की तरफ से, इनका बीजेपी का ही शासन रहा एक साल, लेकिन उसके बावजूद उन कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने की इन्होंने फाइल तक नहीं चलाई और कश्मीरी टीचर्स धक्के खाते रहे, बहनें हमारी धक्के खाती रही। मिसेज रैना, मैं जानता हूं, मुझे अभी भी शक्ल याद है उनकी, रोने लगी, बोली हमने एक तो अपना घर छोड़ा, जमीन छोड़ी, इतने अच्छे स्वर्ग में रहते थे, उस स्वर्ग को छोड़ के हम आए और उसके बाद हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। बीजेपी के नेता मिलते तक नहीं थे उनसे, कश्मीरी टीचर्स से। उनको एक मीटिंग में सौरभ भारद्वाज जी मेरे पास में लेके आए थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया कि इस तरह से मेरे पास में करीब एक रिप्रेजेंटेशन लेके 25-30 टीचर्स आए हैं, उसमें से कम उस वक्त 250 के करीब टीचर्स की बात थी कि 250 टीचर्स के करीब हैं। तुरंत एक शब्द सुन के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत इनको परमानेंट करने की व्यवस्था, तुम्हारी राजनीति जो है उस पर 200 करोड़ कमा लिया और कमा लो। और क्यों धक्के खा रहे थे वो? क्योंकि कश्मीर से आए थे, जैसा ऋतुराज जी ने कहा, अचानक आनन फानन में निर्देश दे दिया गया, छोड़ दो वादी, छोड़ के चले जाओ, घाटी छोड़ के चले जाओ। उनके पास में उस होशो हवास में आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं था कि वो अपनी कोई डिग्री उठाते, कोई नौकरी का सर्टिफिकेट उठाते, कोई कागज उठाते घर का, वो तो चल दिए उठा के, दो कपड़े उठा के जिसके पास थे, या नहीं भी हो सकता है वैसे भाग गए होंगे, किसके पास फुर्सत थी कि कागज लेके आते। और यहां नॉर्मली जो गेस्ट टीचर भी यहां लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगते हैं, सबके पास में अपने सर्टिफिकेट होते हैं, उनको हमेशा धमकाया जाता था 25 साल तक कि तुम्हारे सर्टिफिकेट दिखाओ नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, उनका दर्द यह था। और केजरीवाल जी की सरकार ने निर्णय लिया, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि ये हमारे भाई बहन हैं, 1989 में इनके साथ जो हुआ वो इस देश की जिम्मेदारी है कि उस जख्म को मिलकर भरा जाए, इसलिए निर्णय लिया कि उसको बिना सर्टिफिकेट के, बिना कुछ पूछे गए सबको परमानेंट किया गया। मिसेज रैना जिनका जिक्र है वो धन्यवाद देने आई थी, और बाद में उन्होंने बहुत अनुरोध किया था, मैं कहीं व्यस्त था, मेरा मन था कि सबके पास जाऊं। एक और जब इनकी बात जिक्र हो रही थी तो एक और मैडम अध्यक्ष महोदय परमानेंट होने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों की अलग अलग उम्र थी, रिटायर भी हुए, तो एक टीचर थी वो रिटायर हुई, मैंने उनका नाम कहीं अभी लिखा था यहाँ पे, मैडम पप्पी कॉल, रोहिणी में रहती थी। मैडम पप्पी कॉल रिटायर हुई और रिटायर होने के कुछ समय बाद मेरे पास आई, करीब 6 महीने बाद फिर रोने लगी वो उसमें भी टीम में भी आई थी तब। बोली भैया आपने, केजरीवाल जी ने हमें परमानेंट कराया था, अब एक नई समस्या आके खड़ी हो गई है। पप्पी कॉल मैडम ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि अब सरकार ने हमें परमानेंट तो कर दिया पर जब हम रिटायर हो गए तो पेंशन देने से मना कर दी है। मैंने कहा क्यों? तो बोली बाकी कश्मीरी टीचर्स को तो क्योंकि वो परमानेंट हो गए थे तो रिटायर होने के लिए पेंशन मिल रही है, उनको व्यक्तिगत तौर से मैडम पप्पी कॉल को नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि पेंशन देने के लिए भी सर्विस डिपार्टमेंट ने, जिसके कर्ता धर्ता ये लोग हैं, अड़ंगा डाल दिया। बोले पेंशन तो तभी मिलेगी जब आप अपने सर्टिफिकेट दिखाओगी। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मैं ये तो बड़ा अजीब समस्या है। मुख्यमंत्री जी भी बोले कि जिस महिला को हम कहते रहे 3 दशक तक कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, उसने हमारे बच्चे पढ़ा दिए, उससे हमने सेवाएं ले ली, अब जब उसकी सेवाओं के बदले पेंशन देने की बारी आ रही है उस कश्मीरी महिला की, कश्मीरी पंडित महिला की, जिसने विस्थापन झेला, जिसने 25 साल तक हमेशा तलवार झेली कि नौकरी से निकाल देंगे, सरकार ने उसको, केजरीवाल जी ने परमानेंट करा दिया, उसके जख्म थोड़े से भरे होंगे, लेकिन फिर जब उसके पेंशन मिलने की बारी आई तो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं उसको पेंशन नहीं दी जा सकती, उसके कागज जमा नहीं है विभाग के पास में, सर्विस रिकॉर्ड में उसके कागज जमा नहीं है। केजरीवाल जी बोले मजाक मत करें, तुरंत निर्देश दें कि एफिडेविट ले लिया जाए कि मेरे कागज बारापुला में चल गए थे, उसी को उसके कागज मान के उसकी पेंशन लागू की जाए। लागू की गई। आज कश्मीरी पंडित यह देख रहा है इस देश की सरकारों से। आज कश्मीरी पंडित परिवार जो दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, वो यही चीज देख रहे हैं कि जहां हम रह रहे हैं वहां की सरकारें इस बात को, इस दर्द को समझें कि हम अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, हम कागज लेके नौकरी मांगने नहीं आए थे, भिखारी बना के रख दिया इन लोगों ने। और दूसरी चीज वो चाह रहा है, भैया थोड़ा सा अब तुम्हारी चल रही है, 8 साल हो गए तुम्हारी चलते चलते, अब तो हमें कह दो कि उन सेब के बागानों को देखाओ जाके,
उनके सेब हम अपने बच्चों को भी खिला दें, हम भी नोएडा में पंपोस एंक्लेव में पूरी दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में इतनी सारी रिश्तेदारियां नए दोस्त बन गए हैं, वो भी कह दें कि लो हमारे बगीचे के बादाम हैं, हमारे बगीचे के सेब हैं, उनको ये अधिकार तो दे दो, अब 8 साल हो गए तुमको, जाके वो कह सकें, जाके रह सकें वहां पे, अपने बच्चों को छुट्टियों में ले जाके रह सकें, यही तो चाह रहा है। और तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि वो ये भी चाह रहा है कि उसने जो दर्द 1989 में 90 में झेला और तब से लेकर अब तक झेला है, उस दर्द को ये देश महसूस करे। अच्छी बात है, फिल्म इंडस्ट्री ने उसके ऊपर फिल्म बनाई, मैं उसकी क्वालिटी पे नहीं जाता, अभी मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं बजट में बिजी था, और मैं कह रहा हूं कि बजट से अब जैसे जैसे यहां से सदन पास कर देगा मैं जाके देखूंगा उस मूवी को, मैं भी देखना चाहता हूं, मैं कश्मीर गया भी हूं, मैंने बहुत अच्छे से देखे, कश्मीरियों का दर्द भी देखा है, कश्मीर को भी देखा, और मैं दोबारा देखना चाहूंगा। कश्मीरी चाहता है कि ये देश उस दर्द को समझे जो कश्मीरियों ने 1989-90 में महसूस किया और जो 25 साल झेला, लेकिन कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय कि उसके दर्द को 200 करोड़ में बेचा जाए, कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता है कि उसके दर्द पे ये भारतीय जनता पार्टी धंधा करके इनके प्रोड्यूसर और ये लोग मिलकर 200 करोड़ कमाएं, और जब अरविंद केजरीवाल जी कहें कि भैया 200 करोड़ कमा लिए अब तो यूट्यूब पे डाल के फ्री कर दो, उस पंपोश एंक्लेव के बाजू में जो झुग्गियां हैं, ये जो त्रिलोकपुरी में और इसमें जो झुग्गियां हैं कोंडली में, वहां झुग्गियों का रहने वाला एक आम हिंदुस्तानी भी तो देख ले कि मेरे कश्मीरियों ने क्या दर्द झेला था, उसको डाल दो यूट्यूब पे, 200 करोड़ कमा लिए ना। और मैं चाहता हूं इस सदन की ओर से, ये तो कश्मीरी चाहता है और मैं भी चाहता हूं कि पूरा देश देखे उस दर्द को। हो सकता है बढ़िया फिल्म बनाई हो मदन लाल जी, अभी तो देखी नहीं, मैं देख नहीं पाया, मैं बजट के उसमें व्यस्त था। मैं चाहूंगा कि ये देश कश्मीरियों के दर्द को देखे, लेकिन उस दर्द को देखने की कीमत ये 400-500 रुपए के टिकट से ले रहे हैं, उसकी जगह वो फ्री में देखे ना, यूट्यूब पे डाल दो उसको, इस देश का बच्चा बच्चा उस दर्द को देखे और समझे और सोचे कि हमारे लोगों ने क्या गलत किया था। उसका अधिकार है कश्मीरी पंडित का कि ये देश मेरे दर्द को साझा करे। अच्छी बात है, फिल्म बनाई, फिल्म बनाने वालों ने बढ़िया काम किया होगा, और थोड़ी बहुत फिल्म के टेक्निकल उसमें कमी भी रह गई हो तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ी दर्द उठाया है, उस दर्द की कहानी अगर फिल्म बनाते वक्त कुछ कहा जाता है, कई चीजें फिल्मांकन की जाती हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि उसको लोग देखें, ये देश देखे। अब 200 करोड़ कमा लिए, बहुत कमा लिया, अब उस दर्द को यूट्यूब पे फिल्म के रूप में उस फिल्म को डाल दो, पूरा देश देखे। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने खूब प्रचार किया है उस फिल्म का, तो जब प्रचार किया है आपने उस प्रोड्यूसर के लिए उस फिल्म का, तो थोड़ी सी इतनी भी चला लो कि भाई अब 200 करोड़ कमा लिए अब तो यूट्यूब पे डाल दो। और जब प्रोड्यूसर इनकी इतनी बात मान ही रहा होगा, इनका अपना ही होगा, तो उससे मेरी हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से और उनके माध्यम से उनके प्रोड्यूसर से यह भी विनती है कि भाई देखो बहुत दर्द सहा है, उनके दर्द पे आपने फिल्म बनाई है, अच्छी बात है, मैं भी देखने जाऊंगा 200-400 रुपए का जो भी टिकट होगा लेके देखने जाऊंगा, मेरे वाले को भी, इनके वाले को भी, इनके वाले को भी, इस देश के लोगों ने कश्मीरी पंडितों का दर्द देखने के लिए जो पैसे दिए, उस 200 करोड़ को इकट्ठा करके उन कश्मीरी पंडितों को दे दो। उन कश्मीरी पंडितों के जले हुए घर अभी इंतजार कर रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों के उजड़े हुए बागान इंतजार कर रहे हैं, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा होगा, एक फाउंडेशन बनाओ, फाउंडेशन नहीं भी बनाओ, बहुत सारी कश्मीरी पंडितों की वेलफेयर फाउंडेशन पहले से ही बनी हुई है, ये 200 करोड़ का 200 करोड़ रुपया कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर के लिए दे दो, वो जाके अपने घर के चौबारे ठीक करा लेंगे कश्मीरी पंडित, खूब करो। तो यहां से इस सदन में जो माननीय विधायक जी ने प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में पूरी तरह असफल रही है, मैं इसकी आवाज में आवाज मिलाते हुए केंद्र सरकार की निंदा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो 8 साल हो गए, अब तो इन कश्मीरी पंडितों की मदद करो, कब तक इनके नाम पर राजनीति करोगे, कब तक इनका कष्ट आगे बढ़ाओगे ताकि तुम राजनीतिक रेटियां सेकते रहो, अब तो इनकी मदद करो और इन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने में मदद करो, पहली बात। दूसरी बात, इस फिल्म को पूरा देश देखे, एक एक बच्चा बच्चा देखे, त्रिलोकपुरी और कोंडली के झुग्गी वाले भी देखें, मेरी विधानसभा का भी एक एक आदमी देखे, सब देखें, पूरे देश का छत्तीसगढ़ में बैठा आदमी भी देखे, मध्य प्रदेश में बैठा आदमी भी देखे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी देखे,
कि इस देश के काले इतिहास में, इस देश के इतिहास में एक काला दिन ऐसा भी था जब कश्मीरी पंडितों पर इतना अत्याचार किया गया था। तो दिखाओ ना फिर फ्री में, कमाई का धंधा क्यों बना रखा है उसको? तो दूसरा, उसको यूट्यूब पे डलवाओ, बीजेपी वालों की फिल्म है वो डलवाएं। और तीसरा, उससे जो 200 करोड़ कमाया है, उस 200 के 200 करोड़ को और थोड़ा बहुत और भी उसमें चंदा डाल दें, उस सारे पैसे को कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर में लगाएं, उनको बताएं कि लो भैया हमारे देश की तरफ से आपने 25 साल पहले जो जख्म सहे और तब से अब तक सहते आ रहे हो, भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जिस घर को छोड़ के आए थे उसकी रंगाई पुताई कर लेना, उसकी सिक्योरिटी पे उसकी थोड़ी सी मरम्मत करवा लेना, ये 200 करोड़ तमाम कश्मीरी पंडितों के लिए दान कर दिए जाएं।